गुड मॉर्निंग मित्रों, आज एक गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो भारत में सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन में सामाजिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। क्यों? जब हर जगह परिवर्तन होता है तो समाज के अंदर भी परिवर्तन होता है। सामाजिक रिश्तों का ताना बाना भी बदलता है। उसमें कुछ रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, कुछ रिश्ते कमज़ोर होते चले जाते हैं, कुछ रिश्ते स्वार्थ पर आधारित हो जाते हैं और कुछ रिश्ते निस्वार्थ भाव से अदा किए जाने लगते हैं। तो समाज में जो विघटन देखने को मिल रहा है, जिसमें खास तौर से माता पिता की उपेक्षा बहू और बेटे के द्वारा किया जाना, हालांकि पुत्रियों द्वारा जो माता पिता के साथ भेदभाव किया जाता है उसकी संख्या नगण्य है, बहू और बेटे के द्वारा माता पिता की जो देख रेख है वो देख रेख नहीं की जाती है बुढ़ापे में। और यहाँ तक देखा गया है कि वृद्धा आश्रम में बहू और बेटा अपने माता पिता को रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, और बूढ़े माँ बाप जो अपने बेटे और बेटियों की जी जान से देखभाल करते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी परवरिश और उनकी नौकरी तक लगाने में जी जान से प्रयास करते हैं, और वही बाद में चल के बेटा बहू उनकी देख रेख करने से हिचकते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि उनके साथ माता पिता के साथ बदसलूकी करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये आम बात होती चली जा रही है। मैं मानता हूँ कि ये देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहाँ पर पुरानी मान्यताएँ, पुरानी अवधारणाएँ समाप्त होती जा रही हैं, नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है। भारतीय संविधान के तहत सारी व्यवस्था चल रही है। तो ये बूढ़े माँ बाप जब हो जाते हैं, उनकी देख रेख के लिए बूढ़े माँ बाप को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ जो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, कैसे व्यक्ति इतना असंवेदनशील हो जाता है कि वह अपने बूढ़े माँ बाप तक की परवरिश करने में हिचकता है। तो ये जो सामाजिक विघटन है, इसके लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। क्यों? बचपन से हमें बच्चों को मूल्यों, सामाजिक मूल्यों के बारे में बताएं, उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा के बारे में बताएं। दादा दादी, नाना नानी, मौसी मौसिया और जो भाई बहन, चाचा चाची, इनके साथ संवेदनशीलता का व्यवहार, जो रिश्ते, सामाजिक रिश्तों की महत्ता बताएं शुरू से ही, ताकि आगे चल के ये जो बड़े होते हैं बच्चे, अच्छी अच्छी नौकरी पर पहुंचते हैं, अच्छी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो वहाँ भी सामाजिक संवेदनशीलता बनी रहे। तो इसके लिए हमें दिल से प्रयास करना होगा, और करना क्या होगा ये भी आपको बताएं। अपने बच्चे पर अत्यधिक दबाव डालने से बचें, और बचपन से ही पारिवारिक मूल्यों की जानकारी दें, प्रतिस्पर्धा का सामना सरलता से करना सिखाएं, और जो बच्चे के सामने हमें खुद भी झगड़ा फसाद, बीवी बच्चों से झगड़ा, भाई बहनों से झगड़ा, पारिवारिक झगड़ों से बचना चाहिए, ताकि समाज में जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां,
जो माता पिता की झगड़ी वो बच्चों तक ना पहुँचे, यही चीज़ हमें समाज में समरसता बनाएगी। आइए हम सभी लोग मिलके एक समाज को समृद्धशाली समाज, एक अच्छा समाज, एक नए समाज में हमें पारिवारिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक रिश्तेदारी का भी एहसास कराते हुए चलें और देश और समाज का समग्र विकास करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।